रिकॉर्ड पे लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा वो गौरव ज्वाइन हो, नहीं गौरव था, कौन था, धीरज आ गया। धीरज ये मेरे ख्याल से, धीरज ज्वाइन कर गया नहीं कर गया, चलो कर गया नहीं होगा आया। देख, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे फिर उसको, अभी है ना अभी पढ़ाई करते हैं, वैसे ही लेट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलें अपने मेन क्वेश्चन पर हम लोग। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, इलस्ट्रेशन 12, और इसमें ये कैपिटल लगाई, इतना 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, और साल के अंत में कहता है हिज एसेट्स वर 15 लाख, कहता है एंड में जाके एसेट्स हमारे पास 15 लाख के हैं, ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कहता है फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 12, यानी कहता है क्लोजिंग डेट को, आज के दिन क्लोजिंग। आई बिलीव ये बात सबको समझ में आती है, देखो मैं आपको लिखकर बता दूं इस चीज को, ठीक है ना। हाँ जी देखिए इस चीज को सारे बच्चे ध्यान से, आपका ईयर स्टार्ट हुआ यहां पर, ईयर कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2011 को, ठीक है। 2011 लिख दूं, ऐसे लिख दूं, या चलो ऐसे लिख दूं, तो आप लोगों के लिए अभी नए हैं आप ऐसे लिख लेते हैं। और ये 31 मार्च 2012 है, ठीक है। यहां पे आपने कैपिटल लगाई थी 7,50,000 रुपए, और लोन भी लिया था एक 2 लाख रुपए का, ठीक है, और कुछ बताया नहीं था। तो अगर आप इक्वेशन बनाए एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो इस इक्वेशन से ये कैपिटल आपके पास, ये तो हो गई कैपिटल, और लोन कितना हो गया, ये हो गया लोन, ठीक है, कैपिटल और लोन आपके पास अमाउंट है, तो इन दोनों का टोटल अगर आप कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, तो एसेट आ जाएंगी, यानी आपकी एसेट कितनी हो जाएंगी, एसेट आपके पास हो गई जी 79,50,000 की। ये शुरुआती बैलेंस था, इक्वेशन थी स्टार्टिंग में, यानी बिगिनिंग ऑफ ईयर पर, क्या ये बात क्लियर है, बिगिनिंग में, ठीक है। अब यहां क्लोजिंग यानी एट द एंड ऑफ ईयर, एट एंड ऑफ ईयर पर क्या बताता है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन आपको बता रहा है कि एसेट्स हमारी कितनी है। क्वेश्चन ने आपको गिवन क्या दिया आज के दिन, कहता है एसेट्स हमारी जो है वो है ₹15 लाख, 15 लाख रुपए की एसेट्स हैं, ठीक है। और भी कुछ बताया क्या, देखिए जरा क्वेश्चन में कुछ और बताया क्या, बस 15 लाख का बताया है। और कहता है बताओ कैपिटल कितनी हो गई, एक तो बताया फाइंड करो कि कैपिटल कितनी है ईयर एंड पर, और बताता है कि पूछ रहा है कि प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हुआ है इस साल में, हमें इस साल के दौरान। तो एक बात बताओ, खुद सोचो ध्यान से, आपका शुरुआत में इतना पैसा लगा था, लोन भी लिया हुआ था आपने, और आपका बढ़कर यहाँ एसेट्स इतने के हो गए, इसका मतलब क्या है, अगर एसेट्स इतने हैं तो इसके इक्वलेंट में आपके पास कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी है। अब क्वेश्चन ने लायबिलिटी यानी लोन के लिए तो कोई इंफॉर्मेशन और दी नहीं, यानी लोन तो अभी भी कितने का ही होगा, 2 लाख का, तो सर डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा आपके पास, कैपिटल आ जाएगी, यानी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी। अगर आप कहें कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाल लेंगे, 15 लाख में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 2 लाख, लाइबिलिटी। हाँ लायबिलिटी माइनस कर देंगे, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई, क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई जी 13 लाख, यानी शुरुआत में। अब सुनो एक ध्यान से मेरी बात, आप मालिक हैं बिजनेस के, आपने जब शुरू में बिजनेस में पैसा लगाया था तो आपने कहा था मेरा कितना पैसा है, 7,500 रुपए, और ईयर एंड पर आपका कितना पैसा हो गया, आपका संपत्ति बिजनेस में कितने की हो गई है, आपका पैसा बिजनेस में 13 लाख रुपए का हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यानी यहाँ पे आज के दिन क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख रुपीज की जो है, तो इसके बीच में क्या हुआ होगा, इस साल भर में पूरे साल में आपने प्रॉफिट कमाए होंगे, किसी चीज में प्रॉफिट हुआ होगा, किसी चीज में आपको लॉस भी हुआ होगा, तो ये सारे प्रॉफिट्स और लॉस एडजस्ट करने के बाद आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ, यानी नेट नेट कितना प्लस किया होगा, इस 7,500 में कितना प्लस किया गया होगा कि आप 13 लाख पर पहुंच गए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्योंकि बढ़ा है तो प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो प्लस हुआ है, तो कितना आया, 13 में से 7,500 हटा दो, ठीक है, तो 3 लाख ऊपर, ये 2,500 रुपीज
5,50,000, 5.5 लाख रुपए। किस किस को समझ में आती है ये बात? ठीक है, इक्वेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है, ये बात तो पता होनी चाहिए थी क्योंकि क्लास वन में की था हमने। फिर भी किसी को नहीं पता तो पूछ सकता है। अभी किस किस को समझ में आया ये बताओ, किस किस को नहीं समझ में आया उस पर चर्चा करते हैं, और दूसरे तरीके से बात कर लेंगे, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप सबका समझना जरूरी है। और आंसर भी देख लें क्या जरा, 5.5 का तो इन्होंने बताया प्रॉफिट है और 13 लाख रुपए का क्या है, कैपिटल है। आइए देखते हैं जरा आंसर, आंसर क्या कहता है। देखिए ये लीजिए जी आंसर, देखिएगा पार्ट ए का कैपिटल कितनी निकाल ली उसने, कैपिटल निकल गई है 13 लाख रुपीज, ठीक है, और प्रॉफिट कितना निकाला है, 5.5 लाख रुपए। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? मैं कहा तरीका दूसरा यूज कर लेंगे, आंसर पर जाना नहीं है, आंसर पर कैसे गए ये समझना जरूरी है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई बात तो पूछना शुरू करो, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी आजकल में ही क्लासेस स्टार्ट की हैं तो उन्हें शायद प्रॉब्लम आ सकती है। तो बताइए जी मुझे, क्या सबको समझ में आ रही है? अच्छा, ये किस किस चीज को पता है, ये इक्वेशन कौन कौन जानता है कि सर ये इक्वेशन क्या होती है, कौन सी इक्वेशन? मैं बताता हूँ, यहाँ पर एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी। ठीक है ना, ये बात सबको पता है क्या? यस सर। हमने प्रूफ भी करना सिखाया था यस सर। कि ये चीजें कैसे बराबर हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को, देखो सभी के लिए बोल रहा हूं मैं, आप कल को ये सोचे कि सर मेरा तो दिमाग कम चलता था, मैं समझ नहीं पाया, तो ये गलती हो जाएगी। आपको तो ये समझना है कि आप उस समय आपको ये बात ही नहीं पता, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो कोई भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना, ठीक है, बस आप इतना बताइएगा जब कोई आपको बात क्लियर ना हो, समझ नहीं आए, तो आपने मुझे बताना है कि सर मुझे चीज समझ नहीं आई, आप दोबारा बता दीजिए। क्योंकि मैं चाहता हूं आप सब लोग 100 नंबर की तैयारी करें, मैं रुपए लिख रहा हूँ गलती से, सब लोग 100 नंबर की प्रैक्टिस करें और आते हैं यहाँ पे 100 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होनी है, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उन पर क्लैरिटी होनी चाहिए। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी नहीं है, लोग कहते हैं इजी है, मैं कहता हूँ इजी नहीं है, वेरी इजी। और भी इसके आगे लगाना शुरू करो, वी वी कितनी बार लगा लो, बहुत आसान है। बस ध्यान देना है कहाँ पर, कि सब्जेक्ट पर बेसिक से, मतलब शुरुआत से ही कमांड बनी रहे। और मैथ्स की तरह बिल्कुल नहीं है कि मैथ्स धीरे धीरे आप पर बर्डन बनता चला गया था, ये वैसा नहीं है। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? तो आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा। मैंने आंसर खुद नहीं निकाल के बताया, मैंने बस डायग्रामेटिकली बता दिया आपको। अगर आप इसे कहें तो डायग्रामेटिकली छोड़कर मैं दूसरे तरीके से बताऊं आपको इस क्वेश्चन को, अगर दूसरे तरीके से देखें तो आप कैसे करेंगे जी? ओपनिंग पर बात करो, ओपनिंग यानी 1 अप्रैल 2011 की बात करें तो यहाँ पे आपका रूल हमेशा वही है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी में क्वेश्चन ने आपको दो चीजें दी हुई थी। क्वेश्चन ने आपको कैपिटल बताई थी कि हमने 7.5 लाख रुपए खुद के लगाए, और क्वेश्चन ने आपको ये चीज भी बताई थी कि 2 लाख रुपए का लोन लिया। तो आपको पता है सीधा सा इधर क्या आएगा, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल आएगा। तो ये एक तो ये चीज निकल गई थी, टोटल कितना आ गया था, 9,50,000। तो पहली चीज तो ये आ गई आपके पास, नंबर वन, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर दूसरा करें, आपके पास पहली इक्वेशन बन गई, फिर आप ईयर एंड पर आएंगे, ठीक है, ईयर एंड पर आएंगे। और ईयर एंड पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ईयर एंड यानी 31 मार्च 2012। हमारे यहाँ पे जो ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च चलता है, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगला जो 31 मार्च आता है वहां खत्म हो जाता है। इसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है बच्चों को, ये इसका नाम क्या दिया है हमने, फाइनेंशियल, यानी अकाउंटिंग में जो ईयर यूज होता है वो यही होता है, बाकी बिजनेस वगैरह भी इसी के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। हम कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो करते, हमारे यहाँ पर कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होता। कैलेंडर ईयर आपको पता है जनवरी टू दिसंबर चलता है, ठीक है, ये हम फॉलो नहीं करते। कभी गलती से किसी क्वेश्चन में आ जाए तो बात अलग है, इन जनरल नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए
तो 31 मार्च को क्वेश्चन ने आपको क्या कहा? 31 मार्च को क्वेश्चन ने वही इक्वेशन बनाई आपने, ठीक है, इक्वेशन बनाई यही, और क्वेश्चन ने आपको आज की डेट की चीज बता दी कि ये 15 लाख रुपए, यहां की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दे रखी थी। अब आपको ये चीज पता नहीं है, और लायबिलिटी में जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कि कोई और लोन वगैरह कुछ लिया हो, तो लायबिलिटी पुराने वाली अभी भी आ जाएगी, यानी 2 लाख। तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, ये आ गया जी 13 लाख रुपीज। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालना बड़ा आसान है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। मैं उसी क्वेश्चन को जो पार्ट ए था उसे दूसरे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रॉफिट फॉर द ईयर कि आप बात करें तो ये कैसे होगा, देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, भाई सुनो, मेरे पास मॉर्निंग में 10 रुपए थे और इवनिंग में आकर आज ही मेरे पास जेब में 30 रुपए हैं, तो बताओ मैंने कितना कमाया? कैसे निकालोगे? सर अब इतना है, पहले इतना था, तो आपका सर 20 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए का प्रॉफिट है, बहुत बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हमने यहां किया, मैंने कहा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2011 को मेरी कैपिटल कितनी थी, मेरी जेब में कितना था, या मैंने कितना पैसा लगा रखा था बिजनेस में, 7.5 लाख रुपए। और 31 मार्च 2012 को मेरा बिजनेस में कितना पैसा है, आज के दिन मेरा बिजनेस में पैसा है 13 लाख रुपए। तो सर आपका जो बढ़ गया ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट के कारण बढ़ा है, तो इनका डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो आई बिलीव मैंने एक बार और कोशिश की, मेरे पास और भी तरीके से समझाने के, बस इसीलिए मैं पूछ रहा था कि अगर किसी को समझ नहीं आए तो पूछेगा, ठीक है। चलिए तो वापस चलें, अब आगे अगले क्वेश्चन पर चलना है हम लोगों ने, और आप लोग भी हेल्प कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, कि आपको पूछें, आप डाउट्स क्वेरीज जरूर पूछना, आपकी जिम्मेदारी है वो, ठीक है। चलिए जी, अगला इसमें पार्ट बी और है आपके पास, मैं वो दिखाता हूं आपको। हाँ जी, पार्ट बी आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। एक बच्ची को नेटवर्क इश्यू है, वो अभी क्लास नहीं ले पा रही है, तो बिल्कुल टेंशन में नहीं आना, मैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे दूंगा। इसीलिए आप सभी ध्यान रखें कि जब आपकी क्लास चलती है और हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, तो उस समय अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो आप मुझे रिकॉल कर दिया करो, ठीक है बेटा गौरव, याद दिला देना, ताकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं भूलूं, किसी को नेटवर्क इश्यू आए तो वो क्लास बाद में देख सके। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए जी, आगे देखें, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी का पार्ट बी, कहता है इफ इन द अबव इलस्ट्रेशन, कहता है जो ऊपर वाला इलस्ट्रेशन है ना, ये ए वाला इलस्ट्रेशन, कहता है प्रोप्राइटर ने और एडिशनल कैपिटल लगा दी होती 1,25,000 की और विड्रॉ कर लिए होते 40,000 रुपए, ठीक है, तो बताओ कितना प्रॉफिट होता। सर बड़ी आसान सी बात है, सारे क्वेश्चन को भूल जाओ, ये ध्यान रखो उसने साल भर में बीच में कितना पैसा लगाया 1,25,000 और निकाल कितना लिया साल भर में 40,000 रुपए, क्योंकि जब उसको जरूरत पड़ती है निकाल भी लेता है, उसके पास घर पे फालतू पैसा था या कहीं से आ गया उसने बिजनेस में लगा दिया, क्योंकि बिजनेसमैन को समझते हो ना, उसको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो कई बार वो निकाल लेता है, उसके पास उसको बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ती है तो कई बार बाहर से लेकर भी आता है बिजनेस में पैसा, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल सेम क्वेश्चन में, तो चेंज क्या हो जाएगा, सुनिए मैं चेंज को समझाता हूं इस क्वेश्चन में, आइए जी यहां आइए मेरे साथ, हम आपके साथ अभी इस बी पार्ट को देख रहे हैं। पार्ट ए जो था, पार्ट ए में प्रॉफिट कितना था, आई थिंक ₹5,50,000 था, क्यों था, क्योंकि शुरुआत की कैपिटल 7.5 लाख थी और उसके बाद ये 7.5 की कैपिटल बढ़कर 13 लाख रुपए की हो गई थी, तो आपने कहा था ये बड़ी जो बीच का डिफरेंस आपने प्रॉफिट माना था इसको, ठीक है। चलिए अब एक बात सुनिए, अगर आपको ये चीज रिकॉर्ड है तो मैं कहता हूं एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, आपने कहा था 1/4/11 को कैपिटल कितनी है, सर कैपिटल थी 7,50,000
1000 रुपीज, ठीक है। और ये कैपिटल क्लोजिंग डेट को यानी कि 31 मार्च 2012 को कितनी है जी? ये है कैपिटल आपकी है 13 लाख रुपीज। अब इस साल में क्वेश्चन ने दो चीजें और बता दी। क्वेश्चन ने कहना सारा क्वेश्चन वैसे क्या वैसा, ये तो प्रॉफिट तो बाद में निकलेगा ना, बैलेंसिंग निकलेगा, जो बचेगा वो प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन साथ में कहता है सर इस साल के दौरान, इस साल में बीच में मैंने एडिशनल और कैपिटल लगाई थी, कैपिटल और लगाई कितनी, 1,25,000 रुपए, सॉरी 1,25,000 रुपए, ठीक है। और सर मुझे एक बार जरूरत भी पड़ी थी तो मैंने एक बार पैसा निकाल भी लिया, मैंने विड्रॉ भी कर लिया। कितना विड्रॉ किया? शायद 40,000 रुपए विड्रॉ किए थे, ऐसा ही था क्वेश्चन के अंदर, क्या बताना कोई 40 था क्या? मैं देखता हूं नहीं तो। हाँ सर 40 है। 40 है, ठीक है, 1,25 और 40, ठीक है जी। तो एक बात बताओ सर, 7,500 तो मैंने पहले लगाए हुए थे, मेरे शुरुआत में कितने पैसे थे मेरी जेब में, ओपनिंग में कितने पैसे थे? ओपनिंग में मेरे पैसे थे 7,50,000। सर फिर मैंने और जो पैसा लगाया यानी जो एडिशनल कैपिटल है वो ऐड होनी चाहिए ना इसमें, मैंने कुछ और पैसा लगा दिया सर, ठीक है। फिर सर मैंने कुछ पैसा निकाला तो उस जो निकाला मैंने पैसा बिजनेस से वो मेरी कैपिटल में से माइनस होना चाहिए जो मैंने विड्रॉवल किया। सर मैंने 40,000 रुपए विड्रॉ कर लिए और सर अंत में हो सकता है मेरे पास कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस रहा हो, कुछ प्रॉफिट या लॉस भी हुआ होगा, और उसे लिखने के बाद मेरे पास अंत में मेरी कैपिटल पता है सर कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल मेरी पता है कितनी है सर? मेरी कैपिटल है 13 लाख रुपीज। तो कोई आपसे पूछे इसके बीच में बता दो कितना है, तो आसान है, आप इन तीन चीजों का नेट ले लो, 7,50 + 1,25 करो और माइनस में कर दो 40,000, यानी कि आपने लगाया कितना था इस बिजनेस में, नेट कितना लगाया था, कुछ लगाया फिर निकाल भी लिया, तो नेट आपका कितना लगा हुआ था, 8,35,000 रुपए, यानी आपने पैसे लगाए थे 8,35,000 और बनकर कितने हो गए 13 लाख, यानी इसके बीच में आपने कुछ कमाया होगा, तो कितना कमाया, प्रॉफिट यानी कितना था, 4,65,000। क्या ये बात क्लियर है सभी को, समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूं। आप इसे ये मत सोचो क्वेश्चन ने बोला है, आप खुद पर लेकर सोचो, ठीक है, तब समझ में आएगी बात, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर किसी को नहीं आया हो तो। बताइए एक्सप्लेन करूं बेटा ये बात मैंने जो अभी की दोबारा से, या आपको समझ में आ गया? कोई बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पार्टिसिपेंट देखें कौन कौन है, ठीक है। अर्पित बेटा कुछ समझ में आया क्या थोड़ा बहुत, ये वाला पार्ट जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है? अर्पित है, धीरज है, इतिश्री है, मंजीत है, मुस्कान है, नेहा, श्रेया, जानवी, जानवी का नेटवर्क इश्यू है शायद थोड़ा, बट मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अगर किसी को भी आप में से किसी को समझ नहीं आया हो देन वी आर रेडी टू रिपीट, बिल्कुल मना नहीं है, मैं दोबारा समझाता हूँ, एक बार दोबारा समझा दूं। अर्पित एक बार दोबारा बता दूं क्या? यस सर, ध्यान से दोबारा,
एक बात सुनो मेरी, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, आप अपने ऊपर लेकर सोचो इसको। आप सोचो ये आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस में शुरू में, ओपनिंग मतलब एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया बेटा, 7,50,000 लगाया, ठीक है। फिर आपके बिजनेस में और जरूरत पड़ी पैसे की, एक काम करो इसको ऐसे नहीं लिखते, दूसरा तरीका लगाते हैं इसका, यहां सुनो, ठीक है। आपने बिजनेस में पैसा लगाया बिगिनिंग में, बिगिनिंग में इन्वेस्ट किया आपने, कितना इन्वेस्ट किया, ₹7,50,000। फिर आपको और पैसे की जरूरत पड़ी तो आपने एडिशनल यानी अतिरिक्त कैपिटल, समझते हैं ना, एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्ट किया पैसा, कितना पैसा और इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 1,25,000। तो बताओ ये कितना पैसा हो गया हमारे पास, ठीक है। बिजनेस में आपका कितना पैसा लगा हुआ है आज के समय, 8,75,000 रुपए, ठीक है। फिर कभी आपको अचानक से कुछ जरूरी काम पड़ गया, बेटे की फीस जमा करानी थी, या कोई भी कारण एक्स वाई जेड, ठीक है, घर के लिए कोई आपको कुछ कुछ काम था, या कोई भी पर्सनल इशू था, उसके लिए आपने बिजनेस से पैसा क्या किया, आपने विड्रॉल कर लिया, विड्रॉवल ऑफ फंड फ्रॉम बिजनेस, आपने बिजनेस से क्या किया, कुछ पैसे वापस निकाल लिए, ठीक है। कितने पैसे वापस निकाले बेटा आपने बिजनेस से, ठीक है। तो बताओ मेरे को, आपके पास आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट एट एंड ऑफ ईयर, पीछे कुछ मत ध्यान देना, यहां बस स्क्रीन पर जो फिलहाल लिखा है उसके हिसाब से बताना, ठीक है। शुरुआत में आपके आपने इतना लगाया हुआ था स्टार्टिंग में, फिर कुछ और जरूरत पड़ी आपने और लगाया, तो टोटल मिलाकर आपके पास 8,75,000 रुपए हो गए। फिर आपको अपने घर पर कुछ जरूरत पड़ गई, आपने पैसा निकाल लिया, ठीक है जी, आपने क्या किया, कुछ पैसा निकाल लिया। तो मुझे बताओ एंड में आज के दिन आपका कितना पैसा होना चाहिए, वैसे बिजनेस में बताइए कितना होना चाहिए, माइनस कर लें इसमें से, 8,35,000। बिल्कुल 8,35,000 होना चाहिए। बट सर आप एक बात तो समझ ही नहीं रहे, सर मैंने ये तो आप मेरा पैसा पैसा बता रहे हो, सर मैंने साल भर में बीच में कुछ प्रॉफिट भी तो कमाया होगा, मैंने कुछ प्रॉफिट भी तो अर्न किया होगा सर, मैंने कहा बेटा बिल्कुल अर्न किया होगा, इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कैपिटल ना ये नहीं है, आपकी कैपिटल कितनी है, 13 लाख, यानी होना तो ये चाहिए आपका बिजनेस में पैसा तो इतना होना चाहिए, बट क्योंकि आपने कुछ प्रॉफिट भी अर्न किया है, भाई बिजनेस में पैसा जो आपने लगाया है उतना ही थोड़ी ना रहता है, आप कुछ सामान वामान बेचते हो, कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट भी तो होता है ना, तो वो भी तो आपका ही है, फायदा नुकसान सब मालिक का होता है, तो जिसके कारण से वो कहता है इतना तो मैंने लगाया था, ये तो मैंने इन्वेस्ट किया था, फिर मैंने कुछ कमाया भी होगा, और कमाने के बाद वो कहता है इतना है, 13 लाख रुपीज है, तो मुझे बताओ कि आपने कितना कमाया, तो क्या ये अमाउंट बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 13 लाख में से 8,35,000 माइनस कर दो, यही तो हमने यहां पे किया, जरा डिफरेंस निकालो जरा, 13 लाख में से 8,35,000, 35,000 4 लाख, बिल्कुल 65,000, यही मैंने यहाँ किया था, बस मेरा वहां पे कहने का तरीका अलग हो गया था, इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे बताना, वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल समझाने के। देखो यही मैंने यहाँ लिखा था कि मैंने इतना पहले लगाया, फिर कुछ और लगाया, फिर कुछ निकाल लिया, ये विड्रॉ कर लिया, और अंत में मेरे पास इतना है, तो बताओ मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, तो आपने 4,65 कहा था, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मुझे बस बताया करो, आपको ये तरीका अच्छा लगा तो मैं इससे समझाऊंगा आपको, क्योंकि समझ में आना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, मेथड वेथड हटा दो सब,
यहाँ केवल कॉन्सेप्ट की बात है अकाउंट्स में, मेथड वेथड को हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है। चलिए तो अभी एक और इसमें, अच्छा ये दूसरा पार्ट हो गया ना हमारा। अच्छा बुक से आंसर और मैच करें, बुक में आंसर क्या था मैंने देखा नहीं ध्यान से, आइए बुक पर आते हैं। इलस्ट्रेशन, अच्छा ये था इलस्ट्रेशन, ये देखिए जी, देखो इन्होंने भी यही लिखा है कि सर शुरू में इन्होंने फॉर्मूला चेंज कर दिया, इसका फॉर्मूला चेंज क्यों किया कि इन्होंने कहा कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये समझने वाली बात है, मैंने आपको समझा के लिखवाया है, ये इन्होंने उसे फॉर्मूला लिख दिया, तो कोई इस फॉर्मूले को रटना मत, ये फॉर्मूला है ही नहीं, मैं कहता हूं पता नहीं क्या लिख दिया, हटाओ इसको, ठीक है। जैसे हमने किया है वैसे करें आप, सुने ठीक है, जो इन्होंने किया है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इन्होंने आंसर देखो पहले 4,65,000, ठीक है। अब मैं समझाता हूं इन्होंने क्या लिखा है, देखिए इन्होंने क्या लिखा, सुनिए ध्यान से। इन्होंने कहा सर देखिए मैं शुरू में 10 रुपए लगाता हूं बिजनेस में, ध्यान देना, मैं शुरू में 10 रुपए लगाता हूं बिजनेस में, ठीक है, फिर मुझे जरूरत कुछ और पड़ जाती है तो मैंने 5 रुपए और लगा दिए बिजनेस में, फिर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैंने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया, फिर सर मैंने कुछ साल भर में कमाया भी होगा, कमाया भी होगा, तो मैंने कहा सर मैंने 7 रुपए कमाए, तो सर बताओ मेरे पास एंड में कितना होगा, इन सबका नेट आ जाएगा। ये क्या है, ये है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है, यानी शुरुआत में कितना लगा हुआ था, फिर ये है एडिशनल कैपिटल सर जो और लगाया, ये विड्रॉवल है यानी जिसे ड्राइंग बोल देते हैं, और ये क्या है, प्रॉफिट है, तो ये क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। यही अब, यही चीज अब इसी इक्वेशन को अगर आप इस तरीके से रीड्राफ्ट कर दें, क्योंकि इधर इस साइड दूसरी तरफ क्या लिखा है, इसके बराबर क्या है, प्रॉफिट है इसके बराबर, प्रॉफिट, तो इस इक्वेशन को आप देखो, प्रॉफिट आप यहां लेकर आ, यहां पे था, तो प्रॉफिट को आप इधर ले जाओ दूसरी तरफ और बाकी सब चीजों को इधर ले आओ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं इक्वेशन बनाकर दिखाता हूं आप लोगों को, देखिएगा। अगर मैं प्रॉफिट एक तरफ रख लूं तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, आप लोग भी बनाने की कोशिश करना इक्वेशन को, देखो प्रॉफिट इधर रख लिया तो सर मैं बाकी चीजों को उधर ले जाऊंगा, तो सर क्लोजिंग कैपिटल, सर ये वाला जो विड्रॉवल उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, विड्रॉवल बोल लो, ड्रॉइंग बोल लो, सर ये जो एडिशनल कैपिटल थी उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, मैं कहा ठीक है एडिशनल कैपिटल, और सर ये जो ओपनिंग कैपिटल थी ये भी उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो अब इससे मैच करो, देखो ये क्लोजिंग कैपिटल मैंने यहां लिखा, ड्रॉइंग यानी विड्रॉवल यहां लिखा, एडिशनल कैपिटल ये रहा और ओपनिंग कैपिटल ये रहा, तो क्या कुछ समझ में आया या नहीं आया, तो चीजों को रटना बिल्कुल नहीं है, और जिन्हें भी समझ नहीं आया हो वो पिछली क्लासेस देखेंगे, मुझसे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम शुरू से समझ के चलेंगे तो हम पक्का 100 नंबर की तरफ चलेंगे, पूरे गारंटेड 100 नंबर आएंगे, आप शुरू से मेरी जैसे बताता हूँ वैसे करना शुरू करो। अच्छा क्लास अभी टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है जी, अभी के लिए हम शट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, और इसके रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। सर अकाउंट्स पढ़ाओगे के लिए मैं BST, आप बताओ क्या कराना है, कुछ भी करा लो। कुछ भी करा दें, चलो अभी अगली क्लास में मिलते हैं फिर डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है।